बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी फूडो। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन दिल पजीरी, जो कि एक अफ़गानी डिश है, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। बोनलेस चिकन मैंने यूज़ किया, आप चाहें तो विद बोन्स वाली चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 kg आप चिकन ले लेंगे, साथ ही मैंने बादाम और काजू को भिगो के रख दिया है 1 कप। ब्राउन प्याज 3 to 4 ले लीजिए। उसके अलावा आपको ज़ाफ़रान भिगो के रखना है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। दही जस्ट 2 या 3 टेबलस्पून डलेगा। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ब्लेंड होके डलेगा। तड़के के लिए भी प्याज, हरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ होगी। साबुत गरम मसाला और चिकन को मैंने मैरिनेट किया है सॉल्ट और अदरक लहसुन में। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक पैन में आप ऑयल को गरम कर लेंगे। साबुत गरम मसाला ऑयल में ऐड करेंगे, जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 दालचीनी है, 4-5 लौंगे हैं और 8-9 गोल काली मिर्च साबुत है। साथ ही इसमें आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखी है वो ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे। चिकन थोड़ा भुन चुका है, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करूंगी और साथ ही जो हमने प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन रखा था उसमें 2 to 3 टेबलस्पून दही डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसको आप अपने चिकन में ऐड कर लेंगे। दही का पानी जब तक सूखेगा तब तक आप इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब जो हमने काजू और बादाम भिगो के रखे थे उसके साथ ब्राउन प्याज में आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। काजू, बादाम और प्याज का एक थिक पेस्ट तैयार हो जाएगा, वो आप चिकन में ऐड करेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें वाइट पेपर और ब्लैक पेपर मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैरिनेट करते हुए हमने सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए आप सॉल्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा अब हम इसको दम पे रखेंगे और इसके बघार की तैयारी करेंगे। ये हमने एक पैन में ऑयल गरम करना है, उसमें कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और अगर ना हो तो आप गोल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। बघार लगाने के बाद आप इसमें ज़ाफ़रान जो आपने भिगो के रखा था उसमें ऐड कर लेंगे और हमारा चिकन दिल पजीरी बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग देसी फूडो। अल्लाह हाफिज़।